भिलाई नगर विधायक एवं कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी देवेंद्र यादव लगातार विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही विधायक देवेंद्र यादव ने आम सभा भी लेना शुरू कर दिया है। बारी बारी से हर वार्ड में विश्वास यात्रा निकालकर जनसंपर्क वे जुटा रहे हैं। भिलाई नगर की जनता भी देवेंद्र यादव पर पूरा विश्वास जता रही है और खुलकर विधायक देवेंद्र यादव को फिर से अपना विधायक चुनने की बात कर रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जनता की सेवा ही मेरा धर्म है, आप सभी का प्रेम और विश्वास ही मेरी असली पूंजी है। हमेशा से भिलाई की जनता का प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलते रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये प्रेम और विश्वास आप लोग बनाए रहेंगे। मैं चाहता हूँ 34 साल हो गए आदरणीय पांडे जी को, 34 साल से आपने 5 बार मिनिस्टर बनाया, क्या एक काम बताया उन्होंने जो कुर्सीपार के लिए किया, जिससे कुर्सीपार के लोगों की जिंदगियां बदल गई। एक काम नहीं बता सकते वो ऐसा जिससे कुर्सीपार के लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि आप लोगों के जीवन स्तर उठे, आप लोगों के बच्चे भी अच्छी व्यवस्था देखें। वो चाहते थे कि गरीब और गरीबी में रहें, श्रमिक और तकलीफ में रहें, ताकि आप लोग उनके वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन सको। आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने पिछले 34 साल में उनको अपने दरवाजे पे आके आपके हालचाल पूछते हुए देखा है? कितनी मतलब एसी किसके किसके घर लगा है, यहाँ पे हाथ उठाओ। एसी 4-5 लोगों के यहाँ लगा है बस, ठीक है, और किसी के यहाँ लगा नहीं, 6-7 लोगों के यहाँ। तो ये जितने एसी लगा है जिसके जिसके यहाँ, उसी के यहाँ बिल आता होगा 200 यूनिट के ऊपर। बाकी जितने हमारे परिवार के लोग हैं, किसी के यहाँ पर 200 यूनिट से ज्यादा नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप वापस विधायक बनाओगे तो 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ रहेगा आप लोगों का, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बिजली जाएगा जितना आप लोगों का महिला स्व सहायता समूह है उनका पूरा कर्जा माफ करके सरकार देगी, इसका भी मैं आपको वादा करता हूँ। इसके अलावा आप वापस विधायक बनाएंगे तो हमारे पट्टों का, कितने समय से पट्टे की डिमांड है कि नहीं है, हर 15 साल में इन लोगों की सरकार जब थी, 15 साल आपने इनको दिया, 15 साल में इन लोगों ने हर बार ये कहा कि ये पट्टा बनाकर देंगे, लेकिन कभी पट्टा बनाकर नहीं दिए। पट्टा किसकी सरकार में मिला? कांग्रेस पार्टी की सरकार में मिला, जाकर देख लीजिए शंकर नगर छावनी या बाबा बालकनाथ मंदिर की बस्ती में 32 लोगों को पट्टा मिला। उसके बाद इन लोगों ने शिकायत की, बहुत विरोध किया, बोले कि यहाँ पर पट्टा नहीं देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जिसके कारण प्रक्रिया स्लो हुई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप वापस विधायक बनाइए, जिनका जिनका पट्टे का लंबित प्रकरण है उसको देवेंद्र आने वाले समय में आपको पूरा करके देगा और सबको पट्टा मिलेगा। और उसके अलावा मोर जमीन मोर मकान में 2.5 लाख रुपए का सेंशन भी हम करा के देंगे, ताकि आप अपने अपने आवासों को बना सकें। उन लोगों के लिए सरकार आने वाले समय में, सारे लोगों के लिए, एक भी आदमी नहीं बचेगा, सारे लोगों को राज्य सरकार मकान बनाकर देगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये होगा और इसके लिए सर्वे पहले ही हो चुका है। ये मेरी छोटी बहन ने मेरे को अभी बोला पकड़ के कि भाई तूने आवाज के लिए नहीं बोला, किरायेदार के लिए, तो मैं भूल गया था। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों का भी, सरकार ने घोषणा की है वापस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनेंगे, तो हम लोग सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, तो जितने आवासहीन लोग हैं उनको भी मकान हम लोग बना के देंगे और यही कुर्सीपार में बना के देंगे। जितना DIC से जुड़ा हुआ एरिया है ना, छावनी से जुड़ा हुआ खाली लैंड, वहीं पर बनवा के देंगे हम लोग। धन्यवाद। चालू है कल से, ये सोचते हैं कि एक बार 5 साल में मिठाई का डब्बा भेजकर और 500 रुपए की नोट भेजकर ये कुर्सी पार की माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का सम्मान खरीद लेंगे। तो इनको जवाब देने का समय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने कुर्सी पार में बदलाव देखा है, कुर्सी पार में काम देखा है, आपको लगता है कुर्सी पार के बच्चों की भलाई हो रही है, कुर्सी पार आगे बढ़ रहा है, तो इस बार मजबूती से खड़े हो जाइए मेरे साथ। और मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, हाथ उठाकर समर्थन करें।